हमीरपुर के धुसड़का स्थित निजी होटल में जिंदल पैंथर टीएमटी रेबरीज के सौजन्य से कॉन्ट्रैक्टर मीट का आयोजन किया गया। इस कॉन्ट्रैक्टर मीट के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टरों के अलावा कंपनी के द्वारा सीधा संवाद स्थापित करना मुख्य उद्देश्य रहा। कॉन्ट्रैक्टर मीट के दौरान कंपनी की पॉलिसी के साथ साथ दी जा रही सुविधाओं की कॉन्ट्रैक्टरों को जानकारी भी मुहैया करवाई गई। इस अवसर पर चंडीगढ़ से आए कंपनी के प्रतिनिधि चमनलाल शर्मा के अलावा हमीरपुर से त्रिभुवन शर्मा मौजूद रहे। कंपनी से आए प्रतिनिधि चमनलाल शर्मा ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर मीट का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करना है। उन्होंने बताया कि सेमिनार में कॉन्ट्रैक्टरों के साथ कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मुहैया करवाई गई। साथ ही समय समय पर कंपनी इस तरह के सेमिनार आयोजित करवाती रही है। जिला स्तरीय नेशनल फोक डांस बो नेशनल रूल प्ले कंपटीशन का आयोजन राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक देवट में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बिलासपुर अमर सिंह ठाकुर ने बतौर शिरकत की। स्कूल प्रशासन द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय आयोजन में जिला भर के 19 स्कूलों के लगभग 300 बच्चों ने हिस्सा लिया। नेशनल फोक डांस वो नेशनल रोल प्ले कंपटीशन करके आने वाली पीढ़ी और नशे की लत में पड़े हुए लोगों को बच्चों ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश दिया। विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने कार्यक्रम में मोबाइल का इस्तेमाल, अपने एटीएम का सही इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहें, मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का भी बच्चों ने संदेश दिया तथा बच्चों ने बताया कि पढ़ाई हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करना चाहिए। स्कूल प्रधानाचार्य सुनील दत्त ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में रुचि बढ़ती है तथा बच्चे ऐसे आयोजन कार्यक्रम में काफी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के संदेश भी दिए गए। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में पेट्रोलियम पदार्थ व प्राकृतिक गैस की खोज का कार्य आजकल प्रगति पर चल रहा है। स्वारघाट के बेस कैंप में दिन रात 24 घंटे वैज्ञानिकों द्वारा डिजिटल आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में भी इस प्रकार की खोज के लिए अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं। आपको बता दें कि गत माह से बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर और ऊना जिलों में ONGC के माध्यम से अल्फा GEO इंडिया लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी द्वारा दिन रात वैज्ञानिक तरीके प्रारंभिक तौर पर अनुसंधान में किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि ONGC के माध्यम से अल्फा GEO इंडिया लिमिटेड के वैज्ञानिकों द्वारा स्वारघाट के समीप विभिन्न स्थानों पर बोरिंग भी की जा रही है। बेस कैंप में दिन रात बैठकर डिजिटल आंकड़े भी एकत्रित किए जा रहे हैं। पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिला के उपमंडल स्वारघाट के साथ में सटे जिला सोलन के राम शहर क्षेत्र में 76 किलोमीटर की सीधी लाइन में कार्य दिन प्रतिदिन चल रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त खोज का कार्य सितंबर से लेकर दिसंबर तक निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया जाएगा। इस संदर्भ में प्रोजेक्ट के प्रभारी डॉक्टर DR कोटियाल ने, जो कि ONGC के सेवानिवृत्त भू वैज्ञानिक भी रहे हैं, प्रोजेक्ट के प्रभारी डॉक्टर कोटियाल ने खास बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें बहुत खुशी है कि देश हित में ये उक्त कार्य अनुसंधान का जिम्मा उन्हें दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते हालांकि काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हिमाचल सरकार व संबंधित जिला के प्रशासन के अधिकारियों व अन्य का सहयोग उन्हें प्राप्त हो रहा है, जिससे कार्य दिन प्रतिदिन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हिमाचल के इन जिलों के क्षेत्रों में पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस का भंडार मिलता है तो भारत सरकार के साथ ही
हिमाचल प्रांत को बड़ा फायदा होगा क्योंकि ये कार्य राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ कार्य है। आपको बता दें कि उक्त कार्य में कई स्थानों पर 60 फीट तक गहरी बोरिंग भी की जा रही है। इस खुदाई के भीतर व आसपास के सारे कार्य डिजिटल आंकड़े भू वैज्ञानिकों द्वारा बेस कैंप पर एकत्रित करके पेट्रोलियम पदार्थ व प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेजे जा रहे हैं।